साथियों नमस्कार, मैं कुंवर सिंह मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूं। आज बात करना चाहता हूं बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड, जिस कंपनी को देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2017 में महारत्न कंपनी का खिताब दिया हो, आज वह कंपनी बेचने की कगार पर है और सरकार इसे बेचने की स्थिति में है। बेचकर प्रीमियम मिलेगा 60 से 70 हजार करोड़, लेकिन इसकी कुछ हिस्ट्री बताना चाहता हूं। यह बीपीसीएल 30,000 करोड़ रुपए का टैक्स पिछले 5 सालों में दे चुकी है। पिछले 5 सालों में 35,000 करोड़ रुपए का मुनाफा इस बीपीसीएल कंपनी ने दिया है और जीएसटी इसने 9,000 करोड़ दिए हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जिस कंपनी को नरेंद्र मोदी जी ने महारत्न कंपनी का इनाम दिया हो, आज उसे बेचने की स्थिति क्यों है? सोचकर आश्चर्य लगता है कि हम लोग उस देश के वासी हैं जिनने अंग्रेजों को भगाया। 200 साल की गुलामी के बाद जिस तरह से अंग्रेजों को खदेड़ा और स्वतंत्रता में देश के उन नौजवान और वीर शहीदों ने अपने प्राण गंवाए, क्या इसलिए कि 70 साल में ही देश को बेचने की स्थिति आ जाए? लोगों में गुस्सा नहीं है, लोगों में आंदोलन की इच्छा खत्म हो गई है, लोग घर के अंदर कैद रहना चाहते हैं, सिर्फ खबरें पढ़कर अपना काम चला रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि आपका पैसा, आपके द्वारा ही खर्च किए गए पैसे का देश में क्या हिसाब हो रहा है। भारत पेट्रोलियम में भारतीय सरकार का 53% हिस्सा है, लेकिन सरकार इसको बेचना चाहती है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि इस कंपनी को बेचना यानी अपने आप को गिरवी रखना है। यदि सरकार का हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थों में कम हो जाए तो विदेशी कंपनियां अपने हिसाब से पेट्रोल और डीजल की कीमत तय करती हैं और करेंगी, तब स्थिति क्या होगी? आज देश की अर्थव्यवस्था साधारण नागरिकों से है, लेकिन ये देखकर सुनकर हैरान हूं कि विदेश से लाए हुए राफेल पर इतनी प्रसन्नता, इतनी खुशी, इतना मीडिया में बमंडर, लेकिन देश की संपत्तियां एक एक करके बिक रही हैं, इस पर मौन क्यों है? इस पर लोगों की आवाज क्यों दबाई जा रही है? क्या देश बिक जाएगा? क्या हम अपनी कंपनियों को बिकते हुए देखेंगे? क्या हम बेजान हैं? क्या हम उन शहीदों का रक्त हमारे शरीरों में नहीं दौड़ता? क्या हम शांति से बैठ के अपने भारत माता को बेच देंगे? नहीं, उठिए, खड़े होइए और आवाज को बुलंद कीजिए, हम भारत को बिकने नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत।